नमस्कार दोस्तों, आज मैं नारियल के लड्डू के रेसिपी लेके आई हूँ। बहुत ही झटपट बन जाता है। इसके लिए आपको करना क्या है, एक कढ़ाई बिठानी है धो के और उसे गरम करना है। अच्छी तरह से हीट कर लीजिएगा। हीट करने के बाद इसमें ही घी डाल दीजिएगा। मीडियम साइज़ का एक घी का बोतल ले लीजिएगा, उसी से हो जाएगा। और घी को अच्छी तरह से गर्म करना, घी जल्दी जल्दी गर्म हो जाता है। इस बीच में मैं थोड़ी सी आटा डाल दूंगी, क्योंकि ये शुगर फ्री लड्डू बन रहा है तो चिपकने में तकलीफ होता है, इसीलिए मैंने आटा थोड़ा इस्तेमाल किया है। आटा को अच्छी तरह से भून लेंगे। इसी साथ साथ में मैं इसमें नारियल का भी कसा हुआ नारियल भी डाल दूंगी। ये देखिए मैं डाल रही हूँ नारियल। ये देखिए नारियल मैंने डाल दी है। बहुत ही टेस्टी बनाता है ये लड्डू और फटाफट हो जाता है। और चीनी इसी के साथ मैंने शुगर फ्री चीनी डाल दी है। अगर आपको कम ज़्यादा लगे तो आप बाद में भी चीनी डाल सकते हो। तो अभी आपको अच्छी तरह से नारियल के साथ और आटे के साथ मिक्स करना है। घी पूरा जम जाना चाहिए इसके साथ, क्योंकि इसको कच्चा नहीं रखना है, इसलिए हमें अच्छी तरह से इसे मिक्स करना है। अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। बहुत ही टेस्टी रेसिपी है और झटपट बन जाता है, आपको अच्छा लगेगा ये खाने में। मेरे परिवार में तो इन्हें बहुत पसंद किया है। तो आप किसके किसके घर में लड्डू, कैसे कैसे लड्डू बनते हैं, ज़रूर शेयर कीजिएगा, मैं बनाने की कोशिश करूँगी। तो ये देखिए, थोड़ा सा कैमरा डिस्प्लेसमेंट हो गया था, तो उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। तो अभी देखिए मैंने मिक्स कर दी हूँ। अभी मैंने चीनी थोड़ा सा, मुझे लगा कि शुगर कम है तो मैंने शुगर फ्री थोड़ा और डाल दिया है। इसमें मिठास होनी चाहिए। ये देखिए कितना बढ़िया बना है, चिपकने लगा है। जैसे ही आपको ये गांठे गांठे हो जाए तो आप समझ लीजिएगा कि आपके ये रेसिपी बनने के लिए तैयार हो गया लड्डू। अब देखिए लड्डू गरम गरम बनाइएगा, ठंडा होने मत दीजिएगा, नहीं तो चिपकेगा नहीं। तो मैं सारे मैं बना रही हूँ। ये देखिए इतना गरम था, होना चाहिए कि जितना आप सह सको। देखिए और लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल से जुड़े रहिए। बढ़िया सा लड्डू बनकर तैयार है। ये देखिए नारियल का लड्डू, एंजॉय कीजिए।